दुनिया में बहुत सारे लोग कैसे हैं आपको पता है, लेते हैं अल्लाह के एहसानों को, इस्तेमाल करते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते, अल्लाह का इनकार करते हैं, बोलते अल्लाह ने दिया क्या। हमारी सब गेम्स में एक मकसद है, हमारी गेम्स में एक मैसेज होता है, और मैसेज है कोई एक चीज का एहसास दिल में लाना। तो अब हम खेलेंगे ये अहम गेम, और ये गेम आप इंजॉय भी कर सकते हैं, और इसमें एक अल्लाह का एक एहसान है, जिस एहसान के बारे में एक एहसास दिल में आएगा इंशाल्लाह, और वो एहसान क्या है वो आप लोग बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे क्या। अल्लाह ताला ने हमें लेग्स दिए, अच्छा कैसे लेग्स दिए बताओ जरा, हमारे जो लेग्स है उसके अंदर टू लेग्स है, लेकिन आपने देखा है जो अगर स्ट्रेट लकड़ी होती, स्ट्रेट लकड़ी टिक 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 टिक, तो हमारे लेग्स ऐसे स्ट्रेट लकड़ी जैसे या कुछ उसमें क्या है, हमारे लेग्स यहाँ से भी बेंड हो रहे हैं, और हमारे पास फिंगर्स है जिसके अंदर ग्रिप है, ग्रिप, चलने में हम गिर नहीं जाते हैं, हमें अल्लाह ताला ने ग्रिप दी चलने में, और हमें इस तरह से पोस्चर दिया कि हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भाग भी सकते हैं। अच्छा आपने रैबिट्स को जाते देखा है, रैबिट्स कैसे जाते, कैसे जाते बताओ, ऐसे जंप करते, यस जंपिंग जंपिंग करते, हम लोग ऐसे जाते हैं रैबिट्स की तरह नहीं, हमारे कैसे लेग्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें वॉकिंग की कैपेसिटी दी वन बाय वन, देखो कितना अच्छा लगता है, और हर जगह पे हॉपिंग हॉपिंग जाना होता तो कैसा होता है, हॉपिंग करके आओ, हाँ हॉपिंग करके आने में कितनी सारी डिफिकल्टी, हाँ कितनी एनर्जी जाती है, लेकिन हम लोग आसानी से वॉकिंग करके चलते हैं बस। अब हम खेलने वाले हैं गेम, गेम इस तरह से है कि आपको सिर्फ वन लेग पर, वहां से स्टार्ट करना है, वन लेग वहां से स्टार्ट करना है, एक लेग पर एक, और हॉप करना है वन टू, यहां से आपको इस बॉल को पिकअप करना है थ्री फोर फाइव सिक्स, दूसरे बॉल को पिकअप करना है सेवन एंड एट, वहां पहुंचेंगे फिर आपको वापस आना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस, और हमारे टाइमर रेडी है, टाइमर देखेंगे कि आप यहां से यहां और यहां से यहां कितने सेकेंड्स में आते हैं, और जो सबसे फास्ट आएगा उसको मिलने वाला है वो बड़ा 3D स्टार और एक बॉल, नहीं और एक ट्रक, ट्रक और एक ट्रक, इच्छा है हाँ। तो अब हम इस चीज के साथ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट सारे बॉयज को वन लेग पे करना है और गर्ल्स को टू लेग्स पे हॉप करना है लाइक अ रैबिट, हाँ आपके लिए थोड़ा सा उसमें डिफरेंट फर्स्ट में डिफरेंट, तो चलिए तमरा आप गेम समझ गए, बता दो जरा मुझे, ऐसे करके बतनी सिंगल लेग वन लेग गर्ल्स को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रख दीजिए वापस, और आपको जाके कहाँ से वापस आना है, वहाँ पे जाके कहाँ पे जाना है, उससे आप नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के आप वापस आएंगे यहीं, और जब आप वापस पहुंचेंगे वहां तब आपका टाइमर रुकेगा और हमें पता चलेगा कितने सेकंड्स में आपने फिनिश किया, स्टार्ट करेंगे, गुड ऑन योर मार्क गेट सेट बिस्मिल्लाह। तमरा ने फिनिश किया 12.3 सेकंड्स में, लेकिन बीच का एक स्टेप मिस किया, इस वजह से हम एक सेकंड ऐड करेंगे आपके स्कोर में, यानी कि 13.3 सेकंड्स, अगर वो नहीं मिस करते तो आपको रियल पता चलता, लेकिन हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। तो अब आ रहे हैं उर्वा, क्या करना है उर्वा आपको पता है, यहां से स्टार्ट करके आप फॉलो कर रहे हैं ना गेम, करेंगे इंशाल्लाह, ऑन योर मार्क गेट सेट बिस्मिल्लाह। उर्वा ने फिनिश किया है 10.9 सेकेंड्स में, अब देखते हैं कि हमारी गर्ल्स कितने स्पीड में करते हैं, रख दीजिए बॉल यहां उर्वा, जज़ाक अल्लाह खैर, अब कौन, हम, ओके युसरा इज नेक्स्ट, ऑन योर मार्क गेट सेट बिस्मिल्लाह। फिनिश किया है 23.5 सेकंड्स में, वेरी वेल आपने ट्राई किया माशाल्लाह, वेरी गुड, नेक्स्ट इज
है ना? On your mark, get set, Bismillah. अना ने फिनिश किया 18.2 सेकंड में, लेकिन दो बार उसने स्टेप किया इंस्टेड ऑफ हॉपिंग. इसके लिए हम लोग 2 सेकंड ऐड करेंगे, तो हो गए 20.2 सेकंड. तो इस हिसाब से फर्स्ट आए हैं उर्वा, सेकंड आए हैं समरा, थर्ड है हना एंड फोर्थ है यसरा. लेकिन जरा ये तो बताओ, आप लोग वन लेग से हॉप कर रहे थे, सोचो अगर किसी के पास वन लेग भी ना हो तो कैसा होगा? पता है आपको ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास वन लेग भी नहीं है, तो वो कैसे जिएंगे और ये वन लेग से पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कितनी डिफिकल्टी है, पता है आपको? तो हम लोगों को अल्लाह के एहसान को मानना है कि अल्लाह ने हम लोगों को कितने लेग्स दिए? दो लेग्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सुबह में उठते हैं जो दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तो सारी चीजों की हम तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की कि इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी है. हम वन लेग पे हॉपिंग हॉपिंग करके जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ना हम रैबिट की तरह हॉपिंग करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं. हमें अल्लाह ताला ने वॉकिंग की कैपेसिटी दी. तो लेग्स से मुझे ये बताओ बच्चों, आप कैसा इस्तेमाल करना चाहते हो अपने लेग्स का, बताओ? अच्छा. कैसे अच्छा इस्तेमाल करोगे बताओ? अच्छा इस्तेमाल कैसे होता है बताओ? चल के मस्जिद में जाएगा, मस्जिद की तरफ चल के जाना, माशाल्लाह. और नमाज पढ़ना खड़े होकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लेग्स दिया है, खड़े हो सकते हैं, नहीं तो खड़े हो कैसे होंगे? हाँ, और बताओ, और बताओ, ज़कात लेग्स से कैसे देते हैं? लेग्स से क्या करेंगे आप बताइए? लेग्स से स्कूल जाना, हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल अरबी पढ़ने जाना, हाँ, नॉलेज इल्म हासिल करने जाना. इल्म हासिल करना फर्ज है अला कुल्ली मुस्लिम. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका जो चलेगा, मन सलका तरीकन, जो चलेगा रास्ते पर, यल्तमिसु फीही इल्मन, इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह उस वजह से उसके लिए जन्नत के रास्ते को इजी कर देंगे. किसके लिए जन्नत के रास्ते को इजी करेंगे? जो इल्म के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते को इजी कर देंगे. तो आप इल्म के रास्ते पर चलेंगे, नॉलेज हासिल करने, सीखने. आपको जन्नत का रास्ता इजी चाहिए, मुश्किल चाहिए? इजी. तो जन्नत का रास्ता कैसे इजी होता है? नॉलेज इल्म के रास्ते पर चलने से जन्नत का रास्ता इजी होता है. जन्नत का रास्ता आसान होता है. कैसे आसान होता है? इल्म हासिल करने, इल्म के रास्ते पर चलने से. तो आप पांव का अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद की तरफ जाएंगे, इल्म के रास्ते पर चलेंगे. और आपको पता है कुछ काम होते हैं नाफरमानी के, अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं. कुछ जगह होते हैं जहां पे लोग गुनाह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उस तरफ पांव से जाएंगे? अल्लाह के दिए हुए एहसान को अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल करेंगे? अल्लाह के दिए हुए एहसान को करेंगे? नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह. हाँ, किसने लेग्स दिया? आपने बनाए? आपने बनाए नहीं ना, अल्लाह ने बनाया ना. तो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा. अच्छा मुझे बताओ, आप अगर अच्छे अच्छे काम करते जाओ, लेग्स का अच्छा इस्तेमाल करो, लेग्स का बुरा इस्तेमाल ना करो. आपको पता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की तरफ एक कदम चलोगे, चलते हुए जाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे. मतलब अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत सारे एहसान करेंगे. तुम चलते हुए अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे. यानी अल्लाह ताला की तरफ से इतने एहसान आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि अल्लाह ताला ने कितना दिया मुझे. हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक टाइम आएगा आखिर में, आदमी जब नेक काम करता है ना, अपने हाथ का अच्छा इस्तेमाल करता है, अपनी आईज का अच्छा इस्तेमाल करता है, अपने पाँव का अच्छा इस्तेमाल करता है, अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करता है, एक टाइम आता है कि अल्लाह कहता है, सही बुखारी की हदीस है, कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है. मतलब वो शख्स हाथ से वैसे ही काम करता है जिससे अल्लाह खुश होता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है. यानी अल्लाह पाँव से वो वही काम करेगा जिससे अल्लाह खुश होगा. मतलब पाँव से गलत काम नहीं. देखो बच्चों, गलत रास्ते है, ऐसा नहीं है, नहीं है, गलत रास्ते है दुनिया में, लेकिन हमें उस तरफ जाना नहीं है.
जाएंगे? नहीं जाना है। गलत रास्ते की तरफ जाएंगे? ऐसा नहीं है, नहीं है। पांव से जा सकते हो गलत रास्ते से। लोग पांव से डांस करते हैं, लोग पांव से गलत काम की तरफ जाते हैं, गलत चीज करते हैं, चोरी करते हैं, पांव से भागते हैं चोरी करके। ये पांव अल्लाह ताला ने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए दिए, तो पांव का अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम अल्लाह के फेवर्स में, अल्लाह के एहसान में, हमने कौन सा एहसान देखा? पांव। तो अल्लाह के एहसानों को मानकर उसके मुताबिक इंशाल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।